हम सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है और आज इस बहुत ही सुंदर हिमनल में हमारे साथ आप भी शामिल हो। काश के हजार जुबानों से मैं गाऊं खुश इलाहार जलाल और फजल यीशु के खुदावन बाग सुल्तान। गीतकार ये कहना चाहता है इस गीत के माध्यम से कि एक जुबान हमारी सिर्फ एक जुबान काफी नहीं है उसकी महिमा करने के लिए, उसका गुणानुवाद करने के लिए। काश की हजार जुबान होती मेरी, और वो हजार जुबानें हो सकती है अगर मैं और आप सब मिलकर अपने उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। हजार जुबानों के साथ हम सब मिलकर अपने परमेश्वर की महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें, और क्यों ना करें, क्योंकि उसने हमें अपनी तमाम आशीषों से परिपूर्ण किया है, आशीषित किया है। आइए हमारे साथ इस बहुत ही सुंदर हिम में, इस गीत में शामिल। प्रभु आप सभी को इस गीत के माध्यम से आशीषित करें। काश की हजार Yeah.
परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया कि उसके इस पाक बारगाह में आ सकें और एक दूसरे से हम बातचीत कर सकें, हम कलाम हो सकें जो खुदावंद हमसे बातचीत करना चाहता है। और साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें एक बार फिर सुरक्षित रखा अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह और अपने सुरक्षा दायरे में। हम सबों को, परिवारों सहित, एक बार फिर अवसर दिया कि हम उसके कलाम की ओर देख सकें और अपनी ज़िंदगियों में झांक सकें। आइए इससे पहले कि खुदावंद के कलाम में जाएं, उससे सामर्थ मांगें, दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर हम सब मिलकर उन लोगों के लिए इस समय प्रार्थना के चाहते हैं जो इस कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के बीच में कार्यरत हैं, स्पेशल ड्यूटीज़ पर है, ख़ास तौर से हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़, पुलिस पर्सनल्स और भी तमाम लोग पिता परमेश्वर जो किसी भी रूप से डायरेक्ट इनके टच में आते हैं। मेरे परमेश्वर अपने पवित्र लहू के दायरे में रखें, अपनी सुरक्षा प्रदान करें। हमारे परिवारों के लोग पिता परमेश्वर इस ड्यूटी में हैं, ख़ास तौर से हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़। हम दुआ करते हैं कि जो लोग इस समय उन ड्यूटीज़ में हैं अपनी सुरक्षा में उन्हें बनाए रखें, और आने वाले समय में जो लोग ड्यूटीज़ पर जाते हैं प्रभु जी अपनी सामर्थ्य उन्हें प्रदान करें, अपनी समझ दें कि अच्छी समझ के साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर सकें। साथ ही साथ पिता परमेश्वर उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके पीछे उनके परिवारों को अपने ढांढस में बनाए रखें, वे निरंतर अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करने वाले हों। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इसी के साथ साथ तमाम चर्चेस के पासवान, तमाम लोग इस तरह से ऑनलाइन वर्शिप अपने लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं। प्रभु जी अपना वचन उन्हें प्रदान करें, अपनी समझ उन्हें दें, अपने बोल उन्हें प्रदान करें प्रभु,
कि तेरे अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर तेरा वचन लोगों के बीच में बांटा जा सके। प्रभु जी तू साहेब, हम दुआ करते हैं इस समय जो लोग बीमार, कमज़ोर, परेशान हैं, ख़ास तौर से वे लोग जो घबराहट में हैं, बेचैनी में हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, इस वैश्विक महामारी की वजह से, मेरे परमेश्वर उन्हें ढांढस दें। हर एक व्यक्ति पिता प्रभु ऐसे समय में जबकि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई इलाज जो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए नहीं है, हम दुआ करते हैं प्रभु जी जल्द से जल्द वो समाधान इसका हो सके, अपना अनुग्रह करें। और दुआ करते हैं तमाम देशों के लिए, तमाम दुनिया के लिए, कि जल्द से जल्द इसका प्रकोप खत्म हो और लोग अपने सहज जीवन में आगे बढ़ सकें। हम दुआ करते हैं कलीसिया के बच्चों के लिए और तमाम बच्चों के लिए जो घरों पर रहकर ऑनलाइन स्टडीज़ में अपने पढ़ाई को कर रहे हैं। प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ प्रदान करें कि तुझ में होकर पिता परमेश्वर अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई को कर सके और हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ में आगे बढ़ाए। हम दुआ करते हैं इस बीच बहुत से काम रुके, बहुत से चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। पिता परमेश्वर काश कि वे रुके हुए काम पूरे हों और पिता परमेश्वर सहज रूप से आगे बढ़े। इसी के साथ साथ जो कुछ सबक हमने इस समय लिया है इस वैश्विक महामारी के समय में, बहुत सी चीज़ों को बनते बिगड़ते देखा है, पिता परमेश्वर उसी के अनुसार जीवन में हम आगे बढ़ सकें और जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें अपने जीवनों से दूर करके बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने वाले हो सकें। प्रभु जी आज की इस आराधना पर तेरी आशीष का हाथ चाहते हैं, हमारे साथ प्रभु यीशु के पवित्र नाम को मानते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक बहुत ही सुंदर अवसर प्रदान किया कि उसके वचन के ऊपर हम इस समय मनन कर सके और इस रविवारीय आराधना में इस वचन को एक दूसरे के साथ बांटकर आत्मिक लाभ को प्राप्त करें। हम सब मीका की किताब के ऊपर विचार कर रहे हैं और ये बिल्कुल चौथे अध्याय का आखिरी हिस्सा है जो आज की सुबह में इस आराधना में मैं और आप देखेंगे। और ये हिस्सा मेरे साथ निकाल लीजिए, मीका की किताब चौथा अध्याय 10 से 13 पद तक, मीका 4:10-13, यहाँ इस तरह से वर्णन है, हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारें, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते ना उसकी युक्ति समझते हैं कि वो उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तो बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। परमेश्वर आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन।
बीते सप्ताह हम लोगों ने विचार किया था, खास तौर से 8 और 9 पद के ऊपर, जहां टावर ऑफ द फ्लॉक या एदेर के गुम्मट के विषय में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। और अद्भुत तरीके से यहां पर वो भविष्यवाणी है, खास तौर से वो सुसमाचार, शुभ संदेश जो चरवाहों तक पहुंचा, जो इस एदेर के गुम्मट इसके आसपास रहकर उन मेमनों की रखवाली किया करते थे जो उस परमेश्वर के पवित्र भवन में पहुंचाए जाते थे पर्व के समय में, कि वे बलिदान किए जा सके लोगों के पापों के छुटकारे के लिए। और हमने पाया कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को किया गया, साल दर साल लोग उसको करते रहे, पीढ़ियां बदलती रही, समय बीतता गया और एक ऐसा समय आया जब एक परिपूर्ण छुटकारे की उद्घोषणा हुई। उन्हें बताया गया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, तुम जो यहाँ इन मेमनों की और रखवाली करते हो, इन्हें तैयार करते हो बलिदान के लिए, और वे कुछ उच्च वर्ग के लोग, कुछ धनी लोग जो सक्षम हैं वो ले जाते हैं और अपने पापों के प्रति, अपने परिवार के पापों के प्रति वो उस मंदिर में उन्हें अर्पित किया करते थे। इन चरवाहों में उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उन्हें खरीद सके, पर हाँ रात और दिन वे पहरा जरूर करते थे उनको आगे बढ़ाने के लिए। पर परमेश्वर की योजना थी उनके लिए और परमेश्वर ने अपनी उस योजना के तहत उनको उस छुटकारे का बड़ा सुसमाचार उन तक पहुंचाया, जो लूका के दूसरे अध्याय में हमें दिखाई देता है। आज हम उससे आगे 10वें पद से आगे देखेंगे कि ये छुटकारे का एक सुसमाचार तो उन तक पहुंचा था, लेकिन वो छुटकारा एक बड़ी पीड़ा से, एक बंधुआई से होकर आगे बढ़ता है। जिस छुटकारे की बात हमने वहां पर की थी या 8वें और 9वें पद में देखा था और लूका के दूसरे अध्याय में जाकर देखा था, वो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। यहां पर एक और डिलीवरेंस की बात है, एक और छुटकारे की बात है कि जब ये बंधुआई में चले गए थे और तमाम ये जो भविष्यवाणियां हो रही हैं इन मेजर और माइनर प्रॉफिट्स के माध्यम से, हम पाते हैं कि एक ऐसा समय इसराइल के जीवन में आया जब वे 70 वर्ष की उस राजनीतिक और सामाजिक बंधुआई में चले गए थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, यरूशलेम से बेबीलोन तक घसीट कर ले जाए गए थे, और 70 साल की बंधुआई में बड़े कष्टमय तरीके से उनका जीवन वहां व्यतीत हुआ। ये उसी विषय में 10वां पद कहता है, क्योंकि वचन इस तरह से कहता है उनसे कि एक जच्चा स्त्री के समान एक बड़ी पीड़ा का समय तेरे लिए आने वाला है। एक गर्भवती स्त्री जिस तरह से पीड़ा से होकर गुजरती है, बड़ी एक कठिन परिस्थितियों से रूबरू होती है, उसी तरह से वचन कहता है क्योंकि अब तू गड़ी में से निकलकर अब उन बसे हुए शहरों, शहर से, उन घरों से निकलकर वो जो तूने अपने आराम के लिए या परमेश्वर ने तुझे जो सौंपे थे और वहां पर तुम जो बस गए थे, अब वो समय आता है कि तुम्हें उन घरों से निकलकर, उन महलों से निकलकर, उन हवेलियों से निकलकर, उन अटारियों से निकलकर एक बंधुआई में जाना होगा और कुछ इस तरह से रहना होगा कि वचन कहता है निकलकर मैदान में बसेगी, जो जगह रहने की नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे है, जहां पर तमाम तरह के मौसम होंगे, विपरीत परिस्थितियां होंगी और हर मौसम एक कठिन समय को स्मरण दिलाएगा। जब हम अपने घरों में होते हैं तो हर एक मौसम का आनंद लेते हैं, लेकिन जब उसी मौसम में हम किसी खुले स्थान में होते हैं या मार्ग में होते हैं तो वो मौसम, वो बारिश जो बड़ा अच्छा लगता है अपने घरों में बैठकर, वो हमारे लिए बड़ी कष्टप्रद हो जाती है, बहुत
परेशानी का सबब हो जाती है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसी तरह से हम इस बारिश से बचकर अपने घर तक पहुंचे। लेकिन इनके लिए कठिन समय आ रहा है कि जो कि उन्हें धूप में, बारिश में, ठंड में अपने समय को व्यतीत करना होगा, क्योंकि उन्हें जो लेकर जा रहा है वो लोग, वे शत्रु, वे जाति उनके ऊपर किसी तरह की दया नहीं दिखाएंगे। और वो इसीलिए कहता है कि एक जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब तू गड़ी में से निकलकर, फॉर नाउ यू शैल गो आउट फ्रॉम द सिटी, एक जो शहर है, एक जो बसा हुआ जगह है, एक जो स्थान जहां पर सुरक्षा है, वहां से निकलकर आगे बढ़ना होगा। अब बड़ी अजीब सी बात लगती है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, परमेश्वर अपने जन के लिए, परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए कैसे ये कठिन शब्दों का या एक कठिन बड़ा दुष्कर बात अपने उस भविष्यवक्ता के माध्यम से, मीका के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन हम अगर उनके थोड़े से भूतकाल में जाते हैं, या इस समय जिस समय मीका यहाँ पर बातचीत कर रहा है, इस बंधुवाई से पहले की जो बातचीत, उनका जीवन काल है या जो रहन सहन है, अगर हम उसको देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो अपने पापों का दंड यहाँ पर पा रहे हैं। दूसरा इतिहास 36 अध्याय चैप्टर 36 और उसके 15 और 16 पर वर्सेस 15 एंड 16, यहां इस तरह से उनके उन कार्यों का, उनके आत्मिक जीवन का, उनके सामाजिक जीवन का, उनके धार्मिक जीवन का जो पहलू है उसको दिखाया गया है। और वचन ये कहता है, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परमेश्वर निरंतर अपने लोगों के माध्यम से, अपने दूतों के माध्यम से उनसे बातचीत करता रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन, बिल्कुल अचानक से परमेश्वर ने एक फरमान जारी कर दिया अपने दूत मीका, अपने भविष्यवक्ता के माध्यम से, अपने उस जन के माध्यम से, कि परमेश्वर उनसे यूं कहता है कि वो तो बड़े अच्छे तरीके से रह रहे थे और अचानक से उनके बीच में कोई ऐसी बात पहुंच गई। परमेश्वर उन पर तरस खाता था, परमेश्वर उनसे प्यार करता था। कौन ऐसा माता पिता होंगे जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते या उन पर तरस नहीं खाते। लेकिन कभी कभी एक ऐसा समय भी आता है जब कठिन तरीके से या कठोर शब्दों में उनसे बातचीत की जाती है, और इसीलिए परमेश्वर उनसे ये कहना चाहता है कि मैंने बड़ा यत्न करके अपने दूतों को उसके पास कहला भेजा। क्यों क्यों बार बार वो अपने लोगों को भेजता था? क्यों ये भविष्यवक्ता, ये प्रॉफिट्स, ये प्रभु के जन, ये नबी उनके पास जाया करते थे? क्योंकि परमेश्वर उन पर तरस खाता था। वो कहता, मैं उन पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। वो कहता, वो मेरा धाम था, यानी कि जिनके बीच में मैं रहता हूं, जिनके बीच में रहना मुझे पसंद था, जिनके बीच में रहने के लिए मैंने उनसे वायदा किया था, उनके पूर्वजों से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं उन पर तरस खाता था। और चूंकि परमेश्वर उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए बार बार वो अपने लोगों को, अपने दूतों को उनके बीच में भेजता था। लेकिन उनके कामों की वजह से, उन्होंने अपने कामों से परमेश्वर को क्रोध दिला दिया, वो झुंझला उठा और इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि अब उनके बचने का कोई उपाय नहीं रहा। समय आ गया है, वक्त आ गया है जब उनकी ताड़ना की जाए, वक्त आ गया है जब उनको ताड़ना देकर समझाया जाए कि वे अपने उस गलत मार्ग से, उस गलत रास्ते से एक बार फिर सही रास्ते के ऊपर आ सके। हम जानते हैं
कि जब जब मनुष्य अपने उस रास्ते से भटक जाता है, परमेश्वर बार बार उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम नहीं मानते हैं, जब हम खुद परमेश्वर का अपमान करते हैं, जब हम खुद परमेश्वर की बातों को त्याग देते हैं, उसका उपहास करते हैं, उसे ठट्टों में उड़ाते हैं, ना सिर्फ उसके दूतों का अपमान किया, उसके लोगों का अपमान किया, लेकिन परमेश्वर की बातों को भी ठट्टों में उड़ा दिया गया, यानी कि मजाक बना दिया गया कि परमेश्वर जो कह रहा है ना मालूम ये बात होगी या नहीं होगी। बहुत सी बार वचन हम तक पहुंचता है, बहुत सी दफा वचन हमसे बातचीत करता है, बहुत बार हमें ये चेताता है कि हमारे जो तौर तरीके, हमारे जो जीने का तरीका है वो सही नहीं है। और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो एक वक्त आएगा जब एक कठोर समय आ जाएगा, एक वक्त आएगा जब हमारे हाथ से चीजें जाती रहेंगी, लेकिन हम उपहास उड़ाते रहते हैं, हम ठट्टा उड़ाते रहते हैं, और हमें ये लगता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए कि जैसा उन्होंने किया था ठीक वैसा ही उनके ऊपर आ पड़ा। भजन संहिता 137 में वो अपने उस उपहास का, उस मजाक का जो उनके साथ अब हो रहा है, भजन 137 Psalm 137 यहां पर इस तरह से वो लोग अपने उस उपहास का वर्णन करते हैं। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सय्योन को स्मरण करके रो पड़े, उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। वे उनका उपहास उड़ाने, वे उनका मजाक उड़ाने, वे उनसे कहते हैं हमारे गीतों को, जो गीत वे सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए अर्पित किया करते थे, उसकी आराधना के लिए गाया करते थे, उसकी प्रशंसा के लिए गाया करते थे, उसका गुणानुवाद किया करते थे। लोग कहते हैं हमें, हमारा एंटरटेनमेंट करो, हमें एंटरटेन करो उन गीतों को गा के। और तब उन्हें स्मरण हो आता है कि हम सय्योन को स्मरण करके रोने लगे, जो उन्होंने परमेश्वर के साथ किया था, जो उपहास उन्होंने परमेश्वर का किया था, जो उपहास उन्होंने परमेश्वर के जनों का किया था, आज उसी उपहास को वे और उनके लोग अपने ऊपर पाते हैं जो अन्य जातियां या अन्य लोग उनके साथ कर रहे हैं। सो जैसा हम करते हैं ठीक वैसा ही हमारे सामने आ जाता है। उन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उसके लोगों का मजाक उड़ाया, आज उनका स्वयं का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसके 11वें पद में और 10वें पद के अंत में एक बहुत अनोखी योजना परमेश्वर की उनके लिए पाते हैं। लिखा है कि वो बेबीलोन तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी। अभी भी एक उम्मीद, अभी भी एक आशा उनके लिए यहां पर दिखाई देती है। वरन बेबीलोन तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। एक उम्मीद है, एक आशा है, एक आनंद की बात परमेश्वर उनसे कर रहा है। वे जो हतोत्साहित हो गए इस बात को सुनकर कि अब एक बड़ी पीड़ा का समय आ गया है, अब उन्हें अपने उन बसे हुए घरों से, अब बसे हुए नगर से निकलकर उस खुले मार्ग में, उस मैदान में रहना होगा, जाना होगा, यात्रा करनी होगी, कष्ट उठाने होंगे, और बहुत वर्षों तक ये सिलसिला चलेगा। उसी के साथ परमेश्वर उनसे ये कहना चाहता है कि तुझे छुड़ाने का भी इंतजाम मैंने किया है। एक योजना परमेश्वर की उनके लिए हमें
दिखाई देती है, एक ऐसे स्थान पर जहां उनका उपहास किया जा रहा है, जहां उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। 11वां पद कहता है, अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारे। सिय्योन अपवित्र की जाए, और यहां पर हम पाते हैं कि लोग न सिर्फ उन्हें इस बंधुआई में लाकर उन्हें इस तरह का दुख देकर उनके देश से अलग ले जाकर संतुष्ट हैं, उन्हें अभी भी संतुष्टि नहीं, वे अभी भी चाहते हैं कि और कुछ किया जाए, और वे चाहते हैं ये जो परदेशी होकर, ये जो गुलाम होकर, ये जो दास होकर हमारे बीच में रहते हैं, इन्हें कैसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे और ज्यादा इनके साथ कठोर व्यवहार किया जाए, कैसे और ज्यादा इनका उपहास किया जाए। वो कहते हैं सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसे निहारें, यानी कि और उनको प्रताड़ित किया जाए, और उनको बेइज्जत किया जाए, और उनके साथ मजाक किया जाए, और उनके ऊपर टिप्पणियां की जाए, ताकि वो और ज्यादा दुखित हों, और ज्यादा रोएं, और ज्यादा परेशान हों, और जितने ज्यादा वो व्यथित होंगे, जितने ज्यादा उनको पीड़ा होगी, जितने ज्यादा वो दुख में जाएंगे, उतना ही ये लोग अपने आप में एक आनंद को महसूस करेंगे। कितनी अजीबोगरीब बात है और कितनी पीड़ाजनक बात है कि हमारा आनंद, लोगों का आनंद इस बात में है कि दूसरे व्यक्ति को और पीड़ा दी जाए, और दुख दिया जाए, और सताया जाए। यह एक मानवीय चरित्र है, यह है इंसान का वो ग्रुप चरित्र या ग्रुप चेहरा जिसके तहत वो दूसरे व्यक्ति को और ज्यादा गिरते हुए देखकर पसंद करता है, आनंदित होता है, और ज्यादा दुख देकर आनंदित होता है, और ज्यादा प्रताड़ित करके आनंदित होता है, और ज्यादा बेइज्जत करके आनंदित होता है। क्या हमने अपने आसपास कभी इस तरह की चीजों को देखा है या होते हुए देखते हैं? निश्चित रूप से देखा होगा। कुछ ऐसी ही तस्वीर हमें यहां दिखाई देती है। एक तो वे एक देश से दूसरे देश, अपने देश से पराये देश में आकर बंधुआई में है, एक दासत्व का, एक दास जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी के साथ साथ लोग उनको और ज्यादा प्रताड़ित करके आनंदित हो रहे हैं। लेकिन वचन परमेश्वर का जो अद्भुत है वो उन तक पहुंचता है, और यही भी कहा जो बड़े कठोर शब्दों के साथ उस आने वाले समय को देख रहा है, उस आने वाले समय के विषय में इनसे बातचीत कर रहा है, इनको चेता रहा है, सचेत कर रहा है। यही मीका उनसे परमेश्वर के उन कोमल वचनों को भी उनके बीच में रखना चाहता है। 12वां पद कहता है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते। वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, वे उसकी युक्ति को समझ नहीं पाते। क्यों? उसके विषय में लिखा है कि वो उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। जिस तरह से किसान अपनी पूरी मेहनत करता है, रात और दिन जागकर अपनी फसल को तैयार करता है, और एक ऐसा समय आता है जब वो अपने उस फसल की कटनी करता है, उन पुलों को बांधता है, और बड़े आनंद के साथ वो सारी चीजों को छोड़कर, वो तमाम चीजों को भुलाकर, बड़े आनंद के साथ उन पुलों को, उन गट्ठरों को, उस अनाज के गट्ठर को उठाकर, उन पुलों को उठाकर अपने खलिहान की ओर आनंद के साथ लौटता है, गीत गाता हुआ लौटता है। परमेश्वर का वचन कुछ इसी तरह से है कि परमेश्वर उनको ऐसे बटोर लेगा जैसे कोई बहुमूल्य चीज हो, जिसके लिए उसने परिश्रम किया हो, जिसे साथ ले जाने में बड़े आनंद की अनुभूति हो। वो उसी तरह से अपने लोगों को उन पुलों के समान
जो खेत में किसान ने वो बांध कर रखे होते हैं ले जाएगा और अपने खलिहान में सुरक्षित रखेगा। कुछ इसी तरह से परमेश्वर की योजना इन लोगों के लिए है, क्योंकि हम ये देखें इस वचन में क्यों परमेश्वर इस तरह से काम उनके बीच में करने जा रहा है। ये सच है कि उन्होंने पाप किया, ये सच है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, ये सच है कि उन्होंने परमेश्वर का उपहास किया, परमेश्वर के लोगों का उपहास किया, ये सच है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। पर उसी के साथ साथ एक और सच जो साथ में चलता रहता है वो ये है कि उन्हीं नाफरमान लोगों के बीच में, उन्हीं आज्ञा ना मानने वालों लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे जन भी होते हैं जो तब भी परमेश्वर को प्यार करते हैं, जो तब भी परमेश्वर को प्रसन्न रखते हैं, जो तब भी परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। जब तमाम लोग उसके विपरीत हो जाते हैं, उससे विमुख हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तब भी पूरी पवित्रता के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं और चलते रहते हैं। वो बंधुवाई का एक ऐसा समय था और हम पाते हैं कि कुछ एक नौजवान थे, कुछ एक ऐसे लोग थे जो उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र बनाए हुए, जो कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, कदम दर कदम परमेश्वर के साथ साथ चलने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे उन बातों से हटकर जो और लोग करते हैं, वो उन आदतों से हटकर जो और लोग अपनाते हैं, वे उन तमाम जीवन पद्धतियों को त्याग कर जो लोग अपना लेते हैं, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीने में आनंद का विषय समझते हैं। ऐसे ही कुछ लोग थे जो इस बंधुवाई में हमें दिखाई देते हैं। क्यों परमेश्वर उनसे इन आशा भरी बातों को कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ लोगों को देखा है जो इन कठिन और विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे, और वे हमें दिखाई देते हैं दानियल की किताब और उसका पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो कुछ नौजवानों का यहां पर जिक्र आता है, जिनका एक मुखिया के रूप में अगर हम लें तो दानियल, जिसका एक अगुआ या अगुवाई करता हुआ हमें दिखाई देता है। छठे पद में इन चार लोगों का जिक्र है, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। और ये लोग चुने गए थे, ये जवान चुने गए थे कि उन्हें ट्रेन किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें तैयार किया जाए कि वे राजा के सामने उपस्थित रहे। ये नौजवान थे, इनके आगे पूरी योजना उस राजा के सेवक ने रखी थी कि तुम्हें चुना गया है कि तुम राजा के सामने उपस्थित रहोगे। ऑप्शन था उनके पास उस लग्जरियस लाइफ को जीने का, ऑप्शन था उनके पास एक बहुत ही उच्च तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने का। उनके सामने संसार की वो सारी सुख सुविधाएं थी जो एक राजा उन्हें प्रदान कर सकता था, लेकिन ये लोग राजाओं के राजा के ऊपर ज्यादा विश्वास करते थे। ये लोग उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करते थे जिस परमेश्वर ने उस राजा को नियुक्त किया है, और वो जानते थे कि एक है परमेश्वर हमारा जो इस राजा से भी ऊपर है। और इसलिए वो कहते हैं, आठवां पद कहता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। एक लग्जरियस लाइफ जीने का ऑप्शन उसके सामने था कि जैसे चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जिस तरह से चाहो,
आप खा सकते हो, मदिरा को ले सकते हो उस बिल्कुल उस समय के जितने भी आनंद है उसको प्राप्त कर सकते हो। लेकिन दानियल उसमें अपने चारित्रिक पतन को देख रहा था, दानियल उसमें अपने आत्मिक पतन को देख रहा था, दानियल उसमें अपने सामाजिक पतन को देख रहा था। हम में से कितने लोग हैं जब इस तरह के ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं और सांसारिक रूप से वे बहुत ही आगे बढ़ने के माध्यम होते हैं। कितने लोग हैं जो दानियल के समान अपने सही मार्ग पर बने रहते हैं, डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, जो ये समझते हैं कि हमें राजाओं के लिए नहीं बल्कि राजाओं के राजा के लिए अपने जीवन को जीना है। और इसलिए कुछ लोग, बहुत थोड़े से लोग, परमेश्वर उनके ऊपर दृष्टि करता है और उन थोड़े से लोगों के माध्यम से, उन कुछ चुनिंदा लोगों के वजह से वो सारी की सारी जाति बचा ली जाती है। एक नया दौर उनके जीवन में आता है। याकूब 5:16 में कुछ इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है और प्रार्थना कैसे क्रियान्वित होती है, कैसे वो एक्शन हमें उसका दिखाई देता है, वो हमें यहां पर याकूब में दिखाई देता है कि किस तरह से एक व्यक्ति, चैप्टर 5:16 लेटर पार्ट ऑफ 16 वर्स, जो याकूब 5:16 का अंतिम हिस्सा है, वो इस तरह से कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। द प्रेयर ऑफ अ राइटियस पर्सन हैज ग्रेट पावर एज इट इज वर्किंग। प्रार्थना एक एक्शन है, एज इट इज वर्किंग, बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है, प्रार्थना से बहुत से बदलाव हो सकते हैं, प्रार्थना के माध्यम से जीवन परिवर्तित होते हैं, प्रार्थना के माध्यम से परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, प्रार्थना के माध्यम से परिवार परिवर्तित हो जाते हैं, प्रार्थना के माध्यम से हम लोगों की सोच में एक बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं, लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ, उसके प्रभाव से बहुत कुछ संभव है। कितनी एक्शन ओरिएंटेड ये बात हमें दिखाई देती है। अक्सर प्रार्थना एक रूटीन वे में हमारे और आपके जीवन में चलती, वो कितनी एक्शन ओरिएंटेड है, ना तो हम इसे जानना चाहते हैं ना हम उस तरह की प्रार्थना करना चाहते हैं। दानियल जैसे कुछ थोड़े से लोगों की वजह से एक बड़े विश्वास की वहां पर जीत होती है और आने वाले समय में उनके इस विश्वास को देखकर ही इस सारे इसराइल का एक बड़ा छुटकारा भी हमें यहां पर दिखाई देता है। क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनसे कुछ और भी एक्सपेक्ट करता है, कुछ और भी चाहता है। 13वां पद कहता है, हे सिय्योन उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी। एक गुलाम अवस्था में, एक टूटी हुई अवस्था में, एक दबी हुई अवस्था में, एक कुचली हुई अवस्था में, एक असमर्थ अवस्था में, एक निर्बल अवस्था में, एक असहाय अवस्था में, कितना पावरफुल वर्ड हमें यहां पर दिखाई देता है। जो परमेश्वर इतना सामर्थ्य वचन उनके बीच में रखता है और वो ये कहता है, हे सिय्योन उठ और दावनी कर, अराइज एंड थ्रेश, उठ और दावनी कर। यानी कि समय आ गया जब तुझे उस फल को
प्राप्त करना है, लेकिन उस फल को प्राप्त करने के लिए तुझे उठ खड़े होना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, सामर्थ्य बटोरनी होगी, अपने साहस को दिखाना होगा, अपने बल को दिखाना होगा, अपने विश्वास को दिखाना होगा, अपने परिश्रम को दिखाना होगा। उठ और दावनी कर। अब वो समय है जब उस खलिहान से लाया हुआ वो पूरी फसल तेरे सामने है। अब उसके ऊपर जिस तरह से बैलों को पुराने समय में चलाया जाता था, दावनी की जाती थी और उस फसल को उनके खुरों से दबाया जाता था और भूसे को बार बार कुचल कर दबा कर अलग कर दिया जाता था। परमेश्वर चाहता है कि उसी पुरुषार्थ के साथ ये लोग आगे बढ़े और अपनी उन तमाम समस्याओं को, उस बंधनों को अपने पांव तले रौंद कर चूर चूर कर दें, बिल्कुल भूसे के समान कर दें कि हवा चले और वो समस्याएं उड़ जाएं। परमेश्वर, हमारे जीवनों में जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, जब कोई उपाय नहीं होता है, आशाहीन होते हैं, परमेश्वर उस पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ने के लिए हमसे आह्वान करता है और चाहता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ दिखाएं कि वे बड़ी बड़ी समस्याएं, वे बड़े बड़े बंधन हमारे पांवों तले और रौंदे जाएं और भूसे के समान एक हल्की सी हवा चले और उड़ जाए। जो अभी दिखाई देते थे अब दिखाई भी नहीं देते, और परमेश्वर चाहता है कि कुछ इस तरह से हम अपने परमेश्वर में होकर काम करें कि वे बंधन तोड़े जाएं, वे युक्तियां विफल की जाएं और वे योजनाएं सफल हों, वे कल्पनाएं सफल हों, वे युक्तियां सफल हों जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ये युक्तियां मेरे लिए निरंतर करता रहता। ना सिर्फ उसने मीका से कहा कि वे मेरी योजनाओं को, मेरी कल्पनाओं को, मेरी युक्तियों को नहीं जानते, यर्मिया 29:11 में भी परमेश्वर इन योजनाओं की बात करता है और मेरे से और आपसे कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक वक्त आएगा जब परमेश्वर ने जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मेरे और आपके लिए बनाई हैं, जो की हैं, वे युक्तियां पूरी करेगा। बीते सप्ताह हमने देखा कि वो युक्ति सफल हो गई, वो योजना सफल हुई, वे जो अंधियारे में बैठे थे, वे जो स्वयं गरीब पीढ़ी दर पीढ़ी थे, परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाई थी। वे जो मेमनों को दूसरों के लिए तैयार करते थे, वे धनी वर्ग के लिए तैयार करते थे, उच्च वर्ग के लिए तैयार करते थे, अपने परिवार से कभी उस वायदे को वो पूरा ना कर पाए, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना उनके लिए बनाई थी, जो युक्ति उनके लिए बनाई थी, जो छुटकारे का सुसमाचार उनके लिए तैयार किया गया था, वो उन तक पहुंचाया। इसलिए हम सब प्रभु में सदैव आशा में बने रहे, आनंद में बने रहे, उत्साह में बने रहे। हो सकता है आज किसी परिवार के लिए, किसी जन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी कलीसिया के लिए समय विपरीत हो, किसी स्थान के लोगों के लिए समय विपरीत हो, लेकिन आने वाला समय परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर के हाथ में जब समय है तो योजनाएं भी उसकी हैं, युक्तियां भी उसकी हैं। वो अपने समय में हम सबके जीवनों में वो योजनाएं, वो युक्तियां पूरी करेगा। जरूर है कि एक कठिन समय से होकर गुजरना होता है। आज भी मैं और आप और सारा संसार एक कठिन समय से होकर गुजर रहा है। यदि हमारे बीच में दानियल है, हमारे बीच में उसके साथी है, हमारे बीच में कोई धर्मी जन है जो प्रार्थना कर रहा है, और निश्चित रूप से ऐसे लोग परमेश्वर से प्रार्थना निरंतर कर रहे हैं, क्या उन लोगों में मैं शामिल हूं? क्या उन लोगों में आप शामिल, जिसकी ओर परमेश्वर की दृष्टि, जो ये देख रहा है कि मेरा जन प्रार्थना कर रहा है,
मेरा जन मेरे अनुसार अपने जीवन को जी रहा है, तो जो योजना जो कल्पना हमारी बेहतरी के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए परमेश्वर के पास है, निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो पूरी होने जा रही है। इसी आशा भरे संदेश के साथ मैं आज के इस वचन को पूर्ण विराम देता हूं। प्रभु आप सभी को आशीषित करें, हम प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिए, जिससे कि ना सिर्फ मेरा अपना छुटकारा हो लेकिन बहुत से लोगों का छुटकारा हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है मेरे प्रभु। धन्यवाद हो तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए कि आज दिन तक हम जीवित पाए जाते हैं, तो शायद इसलिए कि हम प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने देश के लिए और सारे संसार के लिए, और एक छुटकारे का माध्यम बन सके। दानियल के समान, उसके साथियों के समान, मोर्दके के समान, एस्तर के समान, यूसुफ के समान, मूसा के समान, और हमारे जीवन प्रार्थना से भरे हुए कि ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो, कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं एक्शन ओरिएंटेड प्रार्थनाएं, जो हम प्रार्थना करें उसे करने की अपने जीवन में पूरी कोशिश करें। प्रभु हमारी सहायता करें। एक बार फिर प्रभु हम अपने उन बहन और भाइयों को स्मरण करते हैं जो इस COVID-19 ड्यूटी में, स्पेशल ड्यूटी में आज के दिन पाए जाते हैं और उन ड्यूटीज को कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में और अपने पवित्र लहू की सुरक्षा में उन्हें बनाए रखें और होने दे पिता परमेश्वर पूरी सामर्थ्य के साथ और समझ के साथ और पूरी सुरक्षा में होकर वो अपनी ड्यूटीज को पूरा कर सके। उनके सहायक हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इस टीम के लिए जो निरंतर इस वचन को तेरे लोगों तक पहुंचाने में हमारे सहायक रहे। हम धन्यवाद देते हैं स्टैंडले के लिए, कैल्विन के लिए, जॉय के लिए, रोही के लिए, कि पिता परमेश्वर वे निरंतर इस वचन को इस आराधना में आगे बढ़ाने में हमारे सहायक रहे। धन्यवाद प्रभु इनके जीवन तुझ में आशीषित हो। हम उन तमाम लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो निरंतर प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के लिए और तमाम लोगों के लिए उनके प्रेम के लिए, और हर एक को अपने पवित्र लहू के दायरे में ढांपे रहे। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए प्रभु जिन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की हैं। प्रभु आशीषित करें उनके स्थानों पर और आने वाले समय पिता परमेश्वर बड़े धन्यवाद के साथ तुझ में वो आगे बढ़ सकें, अपने जीवनों में आगे बढ़ सकें। साहेब हमारे जो काम है प्रभु आने वाले समय में वो तुझ में होकर बेहतर तरीके से पूरे हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित प्रत्येक जन पर, इस कलीसिया पर और दुनिया के कुल विश्वासियों पर अब से लेकर तेरे प्रिय आने तक।